राधे राधे व्यूअर्स, आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बताऊंगी। और ये डिजाइन जेंट स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी, किसी प्रोजेक्ट में डाल के इसे आप बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत सा डिजाइन है। ये तीन फंदे हमारी ये डिजाइन के हैं, जो लाइन बनी है। पांच फंदे ये हैं, तीन फंदे ये दूसरी डिजाइन बनी है, ये पतली सी, और पांच फंदे ये हैं बीच में। तो ये हमारी राइट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। ये तो बैक साइड से इस तरीके से दिखता है और फ्रंट से ऐसा दिख रहा है। तो इसे बनाने के लिए हमने इसमें फंदे डाल लिए हैं। और ये सीधी तरफ से डिजाइन बनेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरीके से, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये तीन फंदे बुनेंगे ऐसे, एक दो तीन, तीन फंदे बुन लिए। और जो हमने अभी फंदा जो जाली जैसा बना था, उस फंदे को इस तरीके से लेके तीन फंदों के ऊपर से ऐसे स्लिप कर उतार देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे, ऊन अपनी साइड में ही रखेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन। और जो हमने अपनी साइड में ऊन रखी थी, ये जो धागा है इस ऊन का, ये तीन फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, तीन चार पांच, और ऊन अपनी साइड ही रखेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, एक दो तीन। और इस जो फंदे के जो पहले से हमने जो लिया था अपनी साइड किया हुआ, उस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे, उतार देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। दूसरी सिलाई है, दूसरी सिलाई को हम पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, तीन फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे ऐसे, ये ऐसे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे इनको भी सीधा ही बनेंगे ऐसे, सीधा बनाएंगे ऐसे। और ये फंदे हैं हमारे तीन, इनको भी हम सीधा बुनेंगे। पांच फंदे हैं, इनको भी सीधा बुनेंगे। लास्ट में ये तीन फंदे हैं, इनको भी हम सीधा ही बुनेंगे। तो पूरी सिलाई हमारी सीधी बनाई जाएगी, उल्टी सिलाई में सीधी सिलाई बनाई जाएगी। ये दूसरी सिलाई है। अब तीसरी सिलाई, पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, एक दो तीन। उसके बाद इस वाले फंदे को इनके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करके पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और पांच फंदे, पांच फंदे उल्टे बन गए। ऊन अपनी साइड ही रखेंगे ऐसे ही और ये तीन फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन। और जो हमने ऐसे अपनी तरफ रखा था, इस ऊन को इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करके पांच फंदे उल्टे, और ऊन अपने साइड में ही ऐसे ही रखेंगे और तीन फंदे सीधे बनेंगे ऐसे, एक दो तीन। और इस वाले फंदे को इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, उनको अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। पहला फंदा उतार लेंगे, अब तीन फंदे सीधे बनेंगे ऐसे, उल्टे बनेंगे, सीधे नहीं बनेंगे, उल्टे बनेंगे तीन फंदे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुन लिए, ऊन को पीछे किया, पांच फंदे सीधे। ये हमारी तीसरी सिलाई है। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे,
उन पीछे पांच फंदे सीधे, फिर उन अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, और लास्ट वाला फंदा इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो हमारी चौथी सिलाई बन गई है। अब पांचवी सिलाई है, तो पहला फंदा उतारेंगे ऐसे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, और ये तीन फंदे हैं इनको हम ऐसे सीधा बुनेंगे, और ये फंदा इन फंदों के ऊपर से, तीन के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। ऊन को अपनी तरफ करेंगे और अब हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, ऊन को पीछे करेंगे और एक दो तीन चार, ये चौथे जो होल में है इसमें एक लूप बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे, और एक फिर इसके बाद ये फंदा सीधा बनेंगे, उसके बाद इसी लूप में से एक फंदा और निकालेंगे। तो हमारे दो लूप बन गए हैं ऐसे, उनको अपनी तरफ करेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे, उनको पीछे करेंगे। तो पहले तीन फंदों में हमने वो फंदा उतार के तीन फंदे बनाए, दो फंदों का एक फंदा किया, और फिर एक लूप में से दो लूप निकाले इस तरीके से, एक यहाँ से एक होल से, और बीच में एक फंदा सीधा। तो हमारे पांच फंदे हैं, फिर उनको अपनी तरफ रखेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, एक दो तीन, और इसी फंदे के ऊपर से इस लूप को ऐसे निकाल देंगे, फिर उन अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर उन पीछे करके एक दो तीन चार, चौथे यहाँ पे होल से एक लूप बनाएंगे ऐसे, उसके बाद ये सीधा फंदा बनेंगे, फिर इसी में से एक बार और एक लूप निकालेंगे ऐसे। तो ये दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई से बराबर कर लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी साइड ही रहेगी और तीन फंदों का ऐसे बुनेंगे तीन फंदों में, और इस फंदे को इस तीन फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। तो हमारी ये पांचवी सिलाई बन गई है। और छठी सिलाई है, तो पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और इस तीन फंदों को अब हम यहाँ पर सीधा बनेंगे ऐसे, उनको पीछे ही रहने देंगे और इन फंदों को भी सीधा बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, जो फंदे थे हमारे पाँच, तो तीन फंदे एक फंदा स्लिप कर लिया, तीन फंदे थे इनको भी हमने सीधी बुन लिए सिलाई इसकी उल्टी सिलाई पे, और ये पांच फंदे इनको भी हमने सीधा बनाया, तो ये सिलाई हमारी पूरी सीधी ही बनाई जाएगी, सारे फंदे सीधे बनाए जाएंगे, जो हमने लूप निकाला था उनको भी सीधा बुनेंगे, तो सारे फंदे हम सीधे बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो डिजाइन हमारा ऐसे बन गया है। अब इसके ऊपर से रोबन की तरह जैसे हमने नीचे स्टार्ट किया था, ऐसे ही इसके ऊपर चार सिलाई और बनाई जाएंगी। जब चार सिलाई बन जाएंगी फिर इसी तरीके से डिजाइन बनेगा, उसके बाद इस तरीके से डिजाइन बन के आएगा। तो हर चार सिलाई के बाद पांचवी सिलाई में इस तरीके से ये बनाया जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ रोबन स्टार्ट की थी, ऐसे ही इसके ऊपर से आप बनाते हुए जाए, और पहले बन गया है, इसके बाद चार सिलाई जब बन जाएंगी तो इस तरीके से फिर इसी के ऊपर से डिजाइन बनता हुआ ऊपर के लिए जाएगा। तो आपको डिजाइन कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद।